हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, आपने ये तीनों नाम भारत के लिए इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। हालांकि आधिकारिक नाम इंडिया ही है, लेकिन अब इंडिया के बजाय सिर्फ भारत नाम करने की मांग जोरों से उठ रही है। अब सवाल ये है कि जिस देश को हम हिंदुस्तान, भारत या इंडिया कहते हैं, उनके पीछे क्या कहानी है, कहाँ से ये नाम आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षता विकल है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। कैसे मिला भारत शब्द? तो उसके पीछे कई अलग अलग कहानी है, लेकिन सबसे मशहूर कहानी है महाभारत की, जो एक प्रचलित और लोकप्रिय कहानी है। बता दें कि हर्षि, विश्वामित्र और मेनका की बेटी शकुंतला और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। उसके बाद उनके बेटे का नाम भरत पड़ा। वहीं ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूमि का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। लोगों के बीच यही धारणा प्रसिद्ध है कि भारत का जन्म राजा भरत के नाम से हुआ। वहीं बाद में राजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ गया भारतवर्ष। इसके अलावा माना जाता है कि भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी हुआ है। आपको बता दें कि ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, द्रव्यु और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते थे। इस कबीले के राजा का नाम था सुदास। साथ ही ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है जो 10 राजाओं के बीच हुई थी। बता दें कि रावी नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। वहीं युद्ध में एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 कबीले। उस लड़ाई में जीत हुई राजा सुदास की, जिसके बाद सिंधु नदी के पास भारत कबीले का अधिकार हुआ। अब भारत के बाद बाकी दो नाम की बात करते हैं, जो है हिंदुस्तान और इंडिया। इन दोनों के नाम का आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि इन दोनों के नाम के मूल में एक ही नाम है सिंधु, और हिंदुस्तान शब्द के पीछे सिंधु नदी का हवाला दिया जाता है। दरअसल मध्य युग में तुर्क और ईरानियों ने भारत में प्रवेश किया और वो सिंधु घाटी के रास्ते भारत में घुसे। वहीं तुर्क और ईरानी सा का उच्चारण हा करते थे, इसलिए सिंधु का नाम बोलचाल में हो गया हिंदू। इस तरह हिंदुओं के इस देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। ये भी कहा जाता है कि जब दरियुस प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार किया, तो उसने सिंधु नदी के पीछे वाली भूमि को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। वहीं कहा जाता है कि मध्य एशिया काल में प्रतिस्तान भी हिंदू के साथ जोड़ा गया और फिर दोनों शब्दों के युग से बना हिंदुस्तान। अब बात करते हैं कि इंडिया का नाम कहाँ से आया। बता दें कि पर्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुंचा, ये हमने देखा। ईसा में कुछ 450 साल पहले पर्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ वक्त तक पर्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। इसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला किया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गए। वहीं पर्शिया के कारण ग्रीस ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंदू जाना। वहीं ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए उनके लिए ये नाम बन गया इंड। यही जाकर इंड्स इंडिया, इंड्स इंडिका और इंडिया बन गया। वहीं लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपीय भाषा में भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल हुआ। यानी ये ग्रीसवासी थे जिन्होंने भारत का नाम इंडिया दिया। वही आपको बता दें कि तुर्क और ईरानियों के बाद अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भी भारत के नाम का आधार सिंधु नदी यानी इंड्स रिवर को माना। माना जाता है कि अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इंड्स के नाम पर इस देश का नाम दिया इंडिया। तभी से भारत का नाम इंडिया उच्चारित होने लगा। वही आपको बता दें कि संविधान में भी इसका जिक्र, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। बता दें कि इंडिया नाम अंग्रेजों के समय तक आधिकारिक नाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा। आपको बता दें कि श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों ने अपने कॉलोनियल नाम त्याग दिए, लेकिन आजादी के बाद भारत इंडिया का नाम संवैधानिक इस्तेमाल करता रहा। बकायदा इस बात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ, क्योंकि आजादी से पहले भारत पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया कहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने नया नाम चुन लिया, लिहाजा इंडिया नाम से उनका किनारा हो गया।
वहीं जिन्ना को लगा था कि इंडिया नाम किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया को अभी भी इंडिया कहा जाता है तो वो बहुत नाराज हुए। वहीं सितंबर 1947 में बंटवारे के 8 हफ्ते बाद जिन्ना ने लुई माउंटबेटन को खत लिखकर एतराज भी जताया। भारत में नए संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी कि इंडिया का नाम चुने या नहीं। आपको बता दें कि साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन कर इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सदन में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। इसके अलावा साल 2020 में इस पर बाबल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई थी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में दोनों नामों को जगह मिली हुई है। अब देखना यह है कि आगे भारत या इंडिया इस विषय में क्या होगा। जो भी होगा इसकी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया न्यूज़।